हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस आज हम करेंगे सॉलिड हॉल जोमेट्री का 1.2 एक्सरसाइज सबसे पहले जो दो क्वेश्चन रहते हैं 1.1 के वो कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 पॉइंट एंड इसके बाद शायद आ, तीन लेक्चर्स में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे यानी कि नेक्स्ट थ्री डेज में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओके okay? चलिए देखिए क्वेश्चन फोर दे रखा है इफ़ एक्स डैश वाई डैश वी देंटर ऑफ द हाईपर बोला एफ ओफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो शो दैट एसमटोट आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश एंड एक क्वेश्चन होता कंजुगेट हाईपरबोला ये क्वेश्चन शो करनी है कि कंजुगेट हाइपरबोला की क्वेश्चन ये बनेगी ओके okay? तो दे गया रखा है आपको सेंटर दे रखे हाइपर बोला दे रखा है यहाँ पे एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो और एक्स डैश वाई डैश इसके सेंटर दे रखे हैं और, dash dash दे रखे. और आपको निकालनी है इक्वेशन एसमटोट की एंड कंजुगेट हाइपरबोला की ठीक है तो जो गिवन है वो लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज एफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स डैश वाई डैश सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट मीन्स एक्स डैस वाई डैस इसके सेंटर दे रखे हैं ओके अब आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा है तो जो जनरल इक्वेशन होती है कॉनिक की ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस से इक्वल टू जीरो ये कॉनिक की जनरल इक्वेशन होती है ठीक है इक्वेशन ऑफ कॉनिक और कंजो की अगर हम एसेंटोट्स की क्वेश्चन निकालते हैं क्वेश्चन ऑफ एसन क्या निकलता है जो कॉनिक की क्वेश्चन होती है वो हम एज इट इज लिखते हैं बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी एंड माइनस करते हैं डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ये जो इक्वेशन होती है वो होती है एसम की मीन्स जो कॉनिक की इक्वेशन है ये इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ एसम डॉट इज डिफर बाय ओनली वन कांस्टेंट व्हिच इज डेल अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर ठीक है इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में सिर्फ एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंस है दिस कॉन्स्टेंट ठीक है एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपर कंजुगेट हाइपरबोला ये क्या होती है ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी माइनस टू टाइम डेल अपॉन ए बी माइनस स्क्वायर ये होते हैं हाइपरबोला ठाइपर ठीक है तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो एसम की इक्वेशन है इसे एक कॉन्स्टेंट डिफर दिस यानी कि जो ये दे रखा है आपके पास माइनस टू डेल अपॉन ए बी माइनस इसको आप लिख सकते हो माइनस डेल अपॉन ए बी माइनस एस स्क्वायर माइनस डेल अपॉन ए बी माइनस एस स्क्वायर समझ गए टू टाइम को मैंने वन वन टाइम ले लिया इसका मतलब जो इक्वेशन एसम की है यहां तक इक्वेशन हमारी एसम की बनती है ओके okay? इसके बाद अगर एक कॉन्स्टेंट और ले लेते हैं वो इक्वेशन आ जाएगी कॉन्जुगेट हाइपर बोला की और यही रूल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ एसम टॉट्स क्वेशन ऑफ एसम इज डिफर फ्रॉम इक्वेसन ऑफ हाइपर बोला बाय वन कॉन्स्टेंट यानी एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंस है दिस इक्वेशन इक्वेशन ऑफ फाइवर बोला मैं एंड एस एट की क्वेश्चन में जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि कॉनिक इक्वेश्चन है और यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्टेंट माइनस कर लेती हूँ तो वो आ जाएगी एसम ट्रॉट की क्वेश्चन ठीक है तो इक्वेशन ऑफ एसम ट्रॉट क्या आ जाएगा यहाँ से एक फॉर इक्वेशन ऑफ एस एम इज एफ ओफ एक्स वाई इक्वल टू लांडा ये हाइपरबोला की है यहाँ से अगर मैं कॉन्स्टेंट ले लेती हूँ ये इक्वेशन आ जाएगी एसमटॉट की ठीक है क्योंकि सेंटर एक्स डैस वाई डैस है एज एक्स डैश वाई डेस सेंटर ऑफ द हाइपरबोला लाइज ऑन एसमटोट देर फॉर ये सेंटर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे मेन्स जो हाइपरबोला की क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई करेंगे तो एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे एक्स डैश एंड वाई के प्लेस पे रखेंगे वाई डैश इक्वल टू ठीक है फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल है देन यहाँ पे आ जाएगा एफ ओफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ओफ एक्स डैश वाई डैश ठीक है तो ये आपको शो करना था कि एसनटोट्स की इक्वेशन एक्स वाई इक्वल्ट ऑफ ऑफ एक्सडे वाई डैश आएगी तो ये आ गई हमारे पास फिर आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालना है अभी हमने कहा था कि अगर मैं एसनटोट की इक्वेशन में एक कॉन्स्टेंट डिफर ले लेती हूँ तो वहाँ से एक कॉन्स्टेंट और अलग ले लेते हैं वहाँ से कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाती है ठीक है तो यहाँ से आप लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ एसमटॉट इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला डिफर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ एसमटॉट वाई वन कॉन्स्टेंट तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसका टू टाइम हो जाएगा ठीक है देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाई पर बोला इज एफ ओफ एक्स वाई इक्वल टू टू टाइम ऑफ एफ ओफ एक्स डैश वाई डैश ओके वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऐसे यहाँ तक कौने की क्वेश्चन है हमारे पास ए सी कॉन्स्टेंट तक इसके बाद माइनस टू टाइम ऑफ दिस कॉन्स्टेंट तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन एसिम्प्टोट की इक्वेशन से सिर्फ एक जो एक कांस्टेंट है वही डिफरेंट है इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे कि दिस इज अ टू टाइम ऑफ एफ ऑफ एक्स डैश वाई डैश क्वेश्चन फिफ्थ देखिए प्रूव दैट इफ एक्स वन वाई वन इज द सेंटर ऑफ द कॉनिक एफ ऑफ एक्स वाई क्वेशन ऑफ एसमट्रोट रिटर्न एज दिस यानी कि ये आपके पास कॉनिक इक्वेशन दे रखी है और एक्सन वाई वन इसके सेंटर दे रखे हैं और आपको बताना है कि ये एसम ट्रोट के इक्वेशन होंगे ठीक है सोल्यूशन देखिए इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस इक्वल टू जीरो ठीक है ये क्वेश्चन दे रखिए कॉनिक की अब हमें इसके सेंटर फाइंड आउट करने सेंटर हमारे पास कैसे आते हैं सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट गिवन बाय करल एफ बाय करल एक्स इक्वल टू जीरो एंड करल एफ बाय कर वाई इक्वल टू जीरो यानी कि ये क्या आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई दिस इक्वेशन ओके यहाँ से हम करते हैं इसका विद पार्सल डरिविटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू ए एक्स टू एच वाई एंड ये ज़ीरो जाएगा यहाँ से आएगा टू जी एंड दिस इज ऑल्सो जीरो इक्वल टू जीरो एंड कर लाइ कल वाई करेंगे यहाँ से आ जाएगा टू एच एक्स टू बी वाई प्लस टू एफ इक्वल टू ज़ीरो टू कॉमन लेते हैं ए एक्स एच वाई प्लस जी इक्वल टू ज़ीरो एंड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो ठीक है दो ही क्वेश्चन आ जाती है ये क्वेश्चन कब हमने फाइंड आउट किए जब हम सेंटर निकालने का प्रोसेस यानी कर ले पाए कर लेक्स कर ले पाए करवाई इन दो ही क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सेंटर आता है और हमें सेंटर क्या दे रखा है एक्स वन एंड वाई वन ये इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए आप कंप्लीट इक्वेशन दोनों को एज सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एक्स वन वाई वन देयर फॉर एक्स वन वाई वन सटिस्फाइ इक्वेशन सेकेंड क्योंकि सेंटर है आपके पास कॉनिक का और ये क्वेश्चन भी सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इसलिए सेंटर इन दोनों क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा इसलिए हमारे पास आ जाएगा ए एक्स वन एच वाई वन प्लस जी इक्वल टू जीरो एंड एच एक्स वन बी वाई वन प्लस एफ इक्वल टू जीरो ठीक है एक्स एंड वाई वन सेटिस्फाई होएंगी दोनों ही इक्वेशन एक क्वेश्चन नंबर थर्ड इसको हम इक्वेशन थर्ड ले लेते दोनों को ठीक है अब यहां से हम इक्वेशन निकालते हैं एस टॉट के इक्वेशन ऑफ एस टॉट क्या होती है जो कॉनिक इक्वेशन होती है उससे एक कांस्टेंट डिफरेंट आता है बस इसके अंदर बाकी सारी एजिटीज होती है ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बीवाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी प्लस लैमडा इक्वल टू जीरोक्वेशन एसेंटोट की जो कि कॉनिक की इक्वेशन से केवल एक कॉन्स्टेंट डिफरें डिफर है बस बाकी एज इट इज है ओके अब यहां से इसको क्योंकि ये एसेंटोट की इक्वेशन है एज एसेंटोट पासिस थ्रो सेंटर ऑफ द कॉनिक सेंटर ऑफ कॉनिक देर फॉर एक्स वन वाई वन सेटिसफाइज इक्वेशन ऑफ एस एम टॉट अगर सेटिस्फाई करेंगे एक्स वन वाई वन सेंटर ऑफ द कॉनिक देन ये आ जाएगा ए एक्स वन स्क्वायर टू एच एक्स वन वाई वन बी वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी प्लस लैमडा इक्वल टू ज़ीरो ठीक है इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लीजिए कि जो ए एक्स वन टू एच एक्स वन है इसको लिखते हैं हम एक्स वन स्क्वायर एज इट इज़ इसको लिखेंगे एच एक्स वन वाई वन प्लस एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स को लिखेंगे जी एक्स वन प्लस जी एक्स वन एंड एफ वाई वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी प्लस लैमडा इक्वल टू जीरो ठीक है एक्स वन एंड एच एक्स वन और जी एक्स वन ठीक है यहाँ से हम ये क्वेश्चन बनाएंगे कि हमारे पास कॉमन निकालें ये रह जाए ठीक है यहाँ से कॉमन लेते हैं एक्स वन इन तीनों में से यहाँ पर रहेगा ए एक्स वन एंड हेयर एच वाई वन एंड प्लस g, ओके okay. second दिस दिस एंड दिस तीनों में से हम कॉमन लेते हैं ठीक है y1 common कॉमन लेंगे यहाँ से आ जाएगा एच एक्स वन एंड यहाँ से बी वाई वन प्लस एफ ठीक है बाकी जो टर्म रहती हैं उनको आप एक साथ लिख लीजिए मीन्स यहाँ पे ये है हमारे पास कम जी एक्स वन एक टर्म ये रहेगी और एक टर्म ये रहेगी वाई वन तो इसको हम लिखेंगे प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी प्लस लैम डाईक्वल टू जीरो तो इसी को हमने सॉल्व करके ये फैक्टर निकाल लिए अब यहाँ से इनकी वैल्यू रखते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन दिस इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे देन दोनों फैक्टर जीरो हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट या यूज इक्वेशन थर्ड लिख लीजिए आप यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन थर्ड ये जीरो हो जाएगा ये जीरो प्लस जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी प्लस लैमडा इक्वल टू जीरो आप सी प्लस लैमडा की वैल्यू निकाल लीजिए ये आ जाएगा यहां से माइनस जी एक्स वन प्लस एफ माइनस राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे माइनस वाई और सी प्लस लैमडा की वैल्यू हम इक्वेशन इसमें पुट कर लेते हैं जो एस की हमने ली थी इसको आप इक्वेशन नंबर फोर ले लीजिए इक्वेशन फोर्थ पुट दिस वैल्यू वैल्यू इन इक्वेशन फोर ठीक है तो यहां से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई और c प्लस लैमडा के प्लेस पे हम रखेंगे माइनस जी एक्स वन माइनस एफ वाई वन इक्वल टू जीरो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज वन पॉइंट टू एंड वन पॉइंट टू का बेसिक मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताती जाऊंगी ठीक है तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है छोटा सा ये इसका ज्यादा डिटेल में नहीं है फाइंड द लेंथ एंड ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉनिक ये इक्वेश्चन दे रखी है आपको कॉनिक की सबसे पहले आपको यहाँ पे निकालना है नेचर ऑफ कॉनिक मीन्स एलि बनेगा हाइपरबोला बनेगा ठीक है इस एक्सरसाइज में आपके पास इलिप्स और हाइपरबोला के ही क्वेश्चन हैं तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि इसके सेंटर निकालो एंड फिर इसका नेचर निकालिए हाइपरबोला इलिप्स बनता है उसके बाद हमें निकालनी है इक्वेशन एक ऑफ एक्सेज मीन्स एलिप्स के दो एक्सेस होते हैं मेजर एक्सेज एंड माइनर एक्सेज उनकी आपको इक्वेशन निकालनी है और डायरेक्ट फार्मूलाज हैं उनमें उनको मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है एंड लेंथ निकालनी है ऑफ द एक्सेज ठीक है चलिए सबसे पहले तो आप इसका चेक कीजिए हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं कर एफ बाई डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे लैंग्वेज आप खुद लिख लेना कर लैफ बाय कर वाई इक्वल टू जीरो एंड कर लैफ बाय करल वाई एक्स इक्वल टू जीरो ये हम किस लिए करते हैं ताकि हम सेंटर फाइंड आउट कर सकें ठीक है करिए डेरिवेटिव यहाँ से टेन एक्स माइनस सिक्स बाई ये जीरो यहाँ पे प्लस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो एंड कर एफ बाय करल वाई पुट करते हैं देन माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन वाई माइनस ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू जीरो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से सेंटर आ जाएंगे आपके पास x इक्वल टू माइनस वन सॉल्व ये सेकेंड इक्वेशन ये थर्ड ले लेते हैं सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे आप x और y की वैल्यू निकालेंगे और मैं डायरेक्ट लिख रही हूं x इक्वल टू माइनस वन और y इक्वल टू टू ठीक है एक्स वाई की वैल्यू मिल गई हमें देन द एक्स और वाई क्या है सेंटर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट इकोनिक ठीक है देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर इज माइनस वन एंड टू ये हमें सेंटर मिल जाते हैं इसके बाद आपको क्या करना है नेचर फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले आप जो इक्वेशन दे रखी है इसके कॉनिक के सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कीजिए यानी रेफर अगर हम निकालते हैं यहां से इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर सेंटर एज ओरिजन क्या होती है लास्ट एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं ये ए एक्स स्क् टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वा टू जीरो सी वन इज सी वन होता है जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी एंड एक्स वन वाई वन सेंटर ऑफ कॉनिक एक्सन वाई वन सेंटर होते हैं सी वन की वैल्यू होती है सी वन की वैल्यू यहां पुट करेंगे ए बी से हम इसको कंपेयर करेंगे यहां से कॉन्स्टेंट निकालिए ए इज़ फाइव ये एच होता है एच यहां पे देखिए टू एच एक्स वाई होता है जनरल इक्वेशन में ठीक है तो एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री एंड बी फाइव एंड ये होता है टू जी जी की वैल्यू आ जाएगी इलेवन एफ इज माइनस थर्टीन और सी की वैल्यू ट्वेंटी नाइन ठीक है तो c1 वन सबसे पहले तो आप c1 वन फाइंड आउट कीजिए c1 वन इज जी जी हमारे पास बनेगा जी इज माइनस वन जो सेंटर आपने निकाले एंड एफ सॉरी जी नहीं एक्स x1 एक्स की वैल्यू माइनस वन एंड वाई वन की वैल्यू टू समझ गए तो एक्स एंड वाई वन जी नहीं जी हम यहाँ से लेंगे देन सी वन इज जी की वैल्यू इलेवन इंटू माइनस वन प्लस एफ इज माइनस थर्टीन इंटू टू प्लस सी सी की वैल्यू है ट्वेंटी नाइन ठीक है इसको सॉल्व करते हैं एंड सी वन की वैल्यू आती है आपके पास माइनस एट ठीक है देन इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये इक्वेशन की क्वेश्चन की है जिसके सेंटर ओरिजन है अभी ठीक है ये आ जाएगी यहां से एक की वैल्यू पुट कीजिए आप फाइव फाइव एक्स स्क्वायर ये कैपिटल में चल रहा है भाई ये चीज ध्यान रखना है कैपिटल एक्स स्क्वायर टू एच एच इज ए माइनस थ्री माइनस सिक्स एक्स वाई एंड बी फाइव वाई स्क्वायर और c1 की वैल्यू माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ये तो है हमारा वन पॉइंट वन एक्सरसाइज का यहाँ तक हमने उसमें किया था वन पॉइंट वन एक्सरसाइज में अब इसके बाद आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्सेस एंड लेंथ ऑफ एक्सेस इसके लिए आपको क्या करना है देखिए जो आपने ये इक्वेशन निकाली जिसका आपने सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट किया है इसके बाद जो कॉन्स्टेंट है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाइए फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई प्लस फाइव वाई स्क्वायर इक्वल टू एट राइट हैंड साइड पे लेके गए ठीक है यहाँ से आप एट को डिवाइड कर दीजिए यानी थ्रू आउट आप एट से डिवाइड करेंगे फाइव बाय एट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स बाय एट एक्स वाई प्लस फाइव बाय एट वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ठीक है दिस इज इक्वेशन थर्ड तक हो चुका इसको आप फोर्थ ले लीजिए ओके नाउ इक्वेशन फोर्थ कंपेयर विद कंपेयर करना है आपको इसको ए एक्स स्क्वायर कैपिटल इक्वेशन फोर्थ कंपेयर विद एक्स स्क्वायर टू कैपिटल एच एक्स वाई प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इस इक्वेशन को आप इससे कंपेयर कीजिए एंड कैपिटल ए की वैल्यू निकाली यहाँ से कैपिटल इज एक्स स्क्वायर का मल्टीपल दिस इज फाइव बाई एट ओके एच इज टू एच निकालें यहाँ से एक्स वाई का मल्टीपल दिस माइनस सिक्स बाई एट यानी कि यहाँ से आ जाएगा टू एच इक्वल टू माइनस सिक्स बाई एट यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री बाई एट ठीक है एंड बी इज मल्टीपल ऑफ वाई स्क्वायर इज फाइव बाई एट ओके okay. अब इसके बाद आपको कैपिटल ए बी सी ए बी एंड एच की वैल्यू मिल जाती है लेंथ ऑफ सेमी एक्सेस सेमी एक्सेस का मतलब जो आप इलिप्स का हाफ uh, एक्सेस लेते हैं अगर आप इस टाइप से इलिप्स बनाते हैं तो ये आपका मेजर एक्सेस होता है एंड दिस इज माइनर एक्सेस और इसको हम बोलते हैं सेमी एक्सेस लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस इक्वेशन equation, ये इक्वेशन equation आपको याद रखनी है जिससे आपको लेंथ मिलेगी सेमी एक्सेस की ठीक है ए इंटू कैपिटल ए है माइनस वन बाय आर स्क्वायर ओके इंटू बी माइनस वन बाय आर स्क्वायर एंड इक्वल टू है एच स्क्वायर ये इक्वेशन आपको याद रखनी है एल्सियम लेके करेंगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी अब यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज हैं कैपिटल ए एच एंड बी इनकी वैल्यूज रखेंगे ए की वैल्यू फाइव बाई एट एंड बीज ऑल्सो फाइव बाई एट दिस ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटी फोर माइनस एच है हमारे पास थ्री माइनस थ्री बाई एट दिस नाइन बाय सिक्सटी फोर इन आर फोर माइनस ए फाइव बाई एट प्लस फाइव बाई एट आर स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन आएगी फोर डिग्री की आर फोर माइनस फाइव आर स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो इसको जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई फोर एंड एडिशन माइनस फाइव तो यहाँ से वैल्यू किसकी आएगी आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी मीन्स आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आर स्क्वायर को आप आ, एक्स वाई आप यूज़ कर सके टी पुट कर लें तो यहाँ से क्वेश्चन किस में रेफर हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो t की वैल्यू निकाल लेंगे जो यहाँ पे आप अगर t को सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू फैक्टर uh, बना के करेंगे इज अ वन एंड फोर ठीक है तो इसके फैक्टर बनेंगे फोर एंड वन मल्टीप्लाई फोर आ जाएगी एडिशन माइनस वन माइनस फोर लेंगे ठीक है तो यहाँ से t की वैल्यू और t आपने क्या लिया है आर स्क्वायर देन आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है वन और फोर ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि आर स्क्वायर की वैल्यू आई है ना कि आर की वैल्यू आई है ओके देन इसको मैंने लिखा आर वन स्क्वायर क्योंकि ये स्क्वायर में चल रहा है यहाँ पे जैसे हम टी में चला लेके चलते हैं तो टी की वैल्यू हमारे पास आई है यानी सिंगल ऐसा मत समझना कि यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो ये दो क्वांटिटी आर इन टू आर इज मल्टीप्लाई तो इसको स्क्वायर में एज अ वेरिएबल लेके चलिए आर वन स्क्वायर इज अ वन एंड आर टू स्क्वायर मैंने यहाँ पे फोर ले लिया एंड एक वैल्यू को जैसे कि अभी हमारे पास टी की वैल्यू आई है वन एंड फोर अगर मैं इसको टी पुट करती हूँ टी की वैल्यू वन और फोर इसका मतलब मैं एक को टी वन ले लेती हूँ और एक को टी टू ले लेती हूँ इसी तरह से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू वन और फोर क्योंकि टी तो हमने आर स्क्वायर को लिया है ना देन आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर ठीक है यहाँ से आप आर वन और आर टू की वैल्यू निकाल सकते हैं आर वन इज अ यहाँ से आ जाएगा आर वन इज वन वन का अंडर रूट एंड आर टू इज टू आ जाएगा ओके okay? फोर का अंडर रूट अब यहाँ से हम निकाल के चलेंगे आर आर वन और आर टू की वैल्यू से ही पता चलेगा कि ये जो कॉनिक है कॉनिक फर्स्ट इज अलिप्स और हाइपरबोला यहाँ पे देखिए जो आर वन और आर टू की वैल्यू आई है इफ आर वन दिस इज आर वन स्क्वायर समझ गए ना कौन से कह रहे हैं जहां पे आपने इक्वेशन को सॉल्व किया है वहां से वैल्यूज निकाली हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यूज आएंगी उन पे डिपेंड करता है अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं देन हमारे पास इलिप्स बनता है यानी कि आर वन स्क्वायर एंड आर टू स्क्वायर दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव हैं देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट एन इलिप्स ओके okay. और अगर इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाती है मान लीजिए कि आर वन स्क्वायर इज अ पॉजिटिव एंड आर टू स्क्वायर इज अ नेगेटिव अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव आती है देन इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट हाइपरबोला देन हाइपरबोला बनेगा यहां पे आके आपको पता चलेगा कि इक्वेशन फर्स्ट पैराबोला बन रही है या हाइपरबोला बन रही है सॉरी पर इलिप्स बन रही है हाइपरबोला ठीक है अगर इलिप्स यहां पे देखिए दोनों वैल्यूज वन एंड फोर दोनों पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इक्वेशन हमारी बन रही है और अगर इलिप्स बन रही है तो हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ एक्सिस निकालना है तो लेंथ ऑफ एक्सिस निकालेंगे अभी हमने क्या निकाला है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ठीक है अगर आप लेंथ ऑफ एक्सिस निकालते हैं लेंथ ऑफ एक्सिस धन हम क्या कर देंगे यहां से टू आर वन यहां पे टू इंटू आर स्क्वायर आर वन स्क्वायर नहीं कर देना ठीक है ये बनेगा टू आर वन और आर वन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अंडर रूट करके इसका वन का अंडर रूट इजा वन इज अ टू एंड ये आ जाएगी मेजर एक्सेज मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेज लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस इज टू आर टू टू आर टू इज अ मेजर uh, देख लीजिए बड़ी कौन सी आ रही है इसे माइनर आएगी भाई छोटी वैल्यू से माइनर एक्सिस माइनर और बड़ी वैल्यू से मेजर एक्सिस ठीक है तो एक एक्सिस आ गई है फोर लेंथ निकालनी थी हमें और एक आ गई है आपके पास टू अब आपको निकालनी निकालने क्वेश्चन ऑफ माइनर एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो देखिए इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस निकालेंगे माइनर के लिए हमने आर वन स्क्वायर लिया है और मेजर के लिए आर टू स्क्वायर का यूज़ किया है ठीक है जहाँ पे आर वन स्क्वायर की वैल्यू वन थी और आर टू स्क्वायर इज है फोर ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस ए माइनस वन आर वन स्क्वायर इन एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेज ए माइनस वन वाई आर टू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो आर वन का स्क्वायर यानी कि जो छोटी वैल्यू दे रहा है वो माइनर एक्सेस के लिए यूज करेंगे और जो बड़ी वैल्यू है वो मेजर एक्सेस के लिए यूज़ करेंगे ठीक तो है तो ए माइनस वन अपॉन इज अ वन यानी कि ए माइनस वन ही रहेगा यहाँ से इन टू एक्स प्लस एच वाई एंड कैपिटल ए एच की वैल्यू हम वहाँ से निकालेंगे जो हमने पहले ही निकाल रखी है ए माइनस वन बाय फोर इंटू एक्स प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो ठीक है ए की वैल्यू रखिए ए इज अ फाइव बाई एट माइनस वन प्लस एच इज माइनस थ्री बाई एट इंटू वाई इक्वल टू जीरो एंड है फाइव बाई एट माइनस वन बाई फोर इंटू एक्स ये भी माइनस का रहेगा माइनस थ्री बाई एट इन वाई इक्वल टू जीरो इनको सॉल्व करेंगे यहां से और ये आ जाएंगे आपके पास इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस ठीक है सॉल्व करेंगे हम जैसे अब अगर आप माइनस सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले तो इसकी क्वेश्चन आएगी माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा और यहाँ पे माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वाईल टू जीरो अब ये हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में निकाल रखा है बट हमें चाहिए स्मॉल एक्स वाई में जो हमारा कॉनेक दे रखा था स्मॉल एक्स वाई में ठीक है तो जब हम इस स्मॉल एक्स वाई की इक्वेशन को चेंज करते हैं कैपिटल में तब हम रिलेशन लेके चलते हैं कि वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अंडरस्टैंड जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे इसको कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में एक्स वन की वैल्यू जो हमने सेंटर निकाले थे सेंटर इज अ माइनस वन एंड टू शायद ये आए थे ना सेंटर माइनस वन और टू थोड़े से लेंथी क्वेश्चन पढ़ते हैं बट इजी है एक्स इज एक्स की वैल्यू यहाँ से हम स्मॉल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं ये दे रखा है x प्लस वाई यहाँ से कैपिटल x आ जाएगा x माइनस वन यानी कि माइनस वन पुट करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा एंड कैपिटल y इज y माइनस टू इन दोनों वैल्यूज़ को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू जीरो मीन्स ये आ जाएगा x स्मॉल x प्लस वन प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो दिस इक्वेशन इज क्वेश्चन ऑफ माइनर एक्सेस ओके okay. ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आ रही है एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो ठीक है यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू रखिए कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस वन एंड वाई वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो दिस इज एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस तो हमें ये पूछा गया था कि लेंथ निकालिए और इक्वेशन निकालिए एक्सेस की तो इस तरह से आपको करना है सेम टू सेम अगर हाइपरबोला के लिए पूछा जाता है हाइपरबोला के भी ऐसे ही बनेंगे यही दोनों फार्मूलास होते हैं उसके लिए क्या होता है कंजुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस ठीक है जो हाइपरबोला के लिए पूछा जाता है कंजुगेट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पे लिखो गया उनकी क्वेश्चन निकालेंगे और इन्हीं वैल्यूज से पता चलता है कि आपके पास हाइपरबोला बन रहा है या एलिप्स बन रहा है चलिए कोई क्वेश्चन करते हैं हाइपरबोला का क्वेश्चन 4 देखिए सेकेंड एंड थर्ड एज इट इज ऐसे ही है जैसे अभी मैंने फर्स्ट करवाया बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन इससे मैं कंप्लीट नहीं करवा पाऊंगी आपको वो क्वेश्चन करवा देती तो हूँ जिससे आपका पूरा मैथड क्लियर हो जाएगा ठीक है इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जो यहाँ पे मैं आपको नहीं करवाऊंगी और जो क्वेश्चन रहते हैं जो मैं बोर्ड पर नहीं करवा पाऊंगी उसका मैं आपको पी डाल दूंगी वहाँ से आप चेक कर लेना ठीक है क्वेश्चन फोर्थ देखिए शो दैट द कॉनिक ये कॉनिक की क्वेश्चन दे है ये को रिप्रेजेंट करेगी और इसके आपको फाइंड आउट करनी है, लेंथ लेंथ एंड एंड इक्वेशन ऑफ़ द एक्सिस एक्सिस की लेंथ फाइंड आउट करनी है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एक्सेज की और फोकस फाइंड आउट करनी ठीक है तीके? तो इसमें सारा कुछ आ जाता है यही इसमें एक्सरसाइज में पूछा गया है कि हाइपरबोला और इलिप्स के uh, क्या मेन uh, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो इक्वेशन है एक कॉनिक है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स या हाइपर को ठीक है वो हम कहाँ से देखते हैं जो हम आर वन और आर टू की वैल्यू निकालते हैं ठीक है थीके? अभी मैं आपको समझाती हूँ कंप्लीटली उसके बाद असेंट्रिसिटी सेम फॉर्मूला एक डिफरेंस होता है माइनस का साथ साथ में हाइपरबोला के लिखती जाऊंगी ताकि आपको इसी में क्लियर हो जाए और आप वहाँ पे यूज़ कर सकें तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखिए कॉनिक की एफ ऑफ एक्स वाई मीन्स इक्वेशन ऑफ कॉनिक फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस इलेवन वाई स्क्वायर फोर्टी फोर एक्स माइनस फिफ्टी एट वाई प्लस सेवेंटी वन इक्वल टू जीरो ठीक है ये इक्वेशन ऑफ कॉनिक यहाँ से आप सबसे पहले तो कंपेयर करेंगे स्मॉल ए इज अ फोर्टीन एच टू एच होता है ये एच आ जाएगा स्मॉल एच इज 2 टू माइनस टू सॉरी बी इलेवन जी माइनस फोर्टीन एफ इज ए ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन सॉरी एंड सी इज सेवेंटी ठीक है यहाँ से हमने सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज मिल जाते हैं इसके बाद हमें इसके सेंटर फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट स्टेप हमें इसके सेंटर निकालने हैं यानी आप सॉल्व करेंगे कर्ल एफ बाय करल एक्स इक्वल टू जीरो एंड करल एफ बाय करल वाई इक्वल टू जीरो क्या क्या क्वेश्चन बनेंगी ट्वेंटी फोर्टीन टू जर ट्वेंटी एट एक्स हम डेरिवेटिव uh, कर रहे हैं यहाँ पे माइनस फोर वाई माइनस फोर्टी फोर इक्वल टू जीरो एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी यहाँ से माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी टू वाई एंड माइनस फिफ्टी एट इक्वल टू जीरो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ठीक है मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ आप इसको सॉल्व कर लेना एक्स इज अ टू एंड वाई इज अ थ्री एक्स की वैल्यू टू आएगी एंड इज थ्री देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज टू एंड थ्री ठीक है इसके बाद हम क्या करते हैं जो इस इक्वेशन के सेंटर होते हैं उसको आप रेफर करते हैं ऑरिजन पे और ऑरिजन पे रेफर करते ही हमारे पास इक्वेशन क्या आती है इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर सेंटर एज ओरिजन अगर आप ओरिजन पर सेंटर को रेफर करेंगे तो इक्वेशन आती है ए इंटू कैपिटल एक्स स्क्वायर टू एच कैपिटल एक्स कैपिटल वाई बी वाई स्क्वायर प्लस सी वन इक्वल टू जीरो वेअर सी वन क्या होता है जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी ये हमारे पास सी वन की वैल्यू होती है एंड एक्स वन इज अ सेंटर ऑफ दिस कॉन जो हमने सेंटर निकाले ये एक्स वन और वाई वन की वैल्यू होती है इनकी वैल्यूज पुट कीजिए जी एफ सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है सी वन ली है इसके बाद इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो ये इक्वेशन ऑफ कॉनिक आ जाएगी जिसके सेंटर और आ चुके हैं ठीक है क्योंकि हम ओरिजिन पे निकालेंगे ना अभी लिप्स और हाइपरबोला को अगर देखेंगे तो ये ओरिजिन होना चाहिए इनका सेंटर इसलिए हम इस ये जो कॉनिक होता है इसको ऐसे कॉनिक में रेफर करते हैं जिसके सेंटर ओरिजिन होते हैं इसमें हम चेंज कर लेते हैं इसको ठीक है अच्छा जी यहां से एक क्वेश्चन आ जाएगी इसको सॉल्व कर लेना मैं आप डायरेक्ट लिख रही हूं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आएगी आपके पास फोर्टीन एक्स स्क्वायर फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस प्लस इलेवन वाई स्क्वायर प्लस सी वन सीवन सीवन इस वन की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम और डायरेक्ट यहां से आ जाएगी माइनस सिक्सटी इक्वल टू जीरो ठीक है इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हमने है और इसके सेंटर का है ऑरिजन पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम क्यों बनाते हैं ताकि हम इसके सेंटर को ओरिजन पे शिफ्ट कर लें और इसके बाद हम इसकी एक्सिस मेजर माइनर फोकस वगैरह इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि जिसके कॉनिक के अगर ओरिजिन होता है सेंटर तो आप इजिली स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है जो भी कॉन्स्टेंट होता है उसको राइट साइड पर लेके जाइए फोर्टीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस इलेवन वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटी और थ्रू आउट सिक्सटी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा फोर्टीन बाय सिक्सटी एक्स स्क्वायर फोर बाय सिक्सटी एक्स वाई प्लस इलेवन बाय सिक्सटी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन यानी आपको राइट right साइड पे वन बनाना है और कोई भी कांस्टेंट इधर नहीं होना चाहिए जित जो भी कांस्टेंट है उसको राइट right पे ले जाके उसको डिवाइड करेंगे ओके फिर इसको कंपेयर करेंगे हम यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी कैपिटल पहले आप इसको कंपेयर कीजिए इसको हम कंपेयर करेंगे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू वन आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे ठीक है कंपेयर विद दिस एंड यहां से हम वैल्यू निकालेंगे कैपिटल ए की कैपिटल इज अ फोर्टीन बाय सिक्सटी ओके कैपिटल एच इज़ अ टू टाइम है यहाँ पे आप टू से डिवाइड करेंगे मेन समय यहाँ पे चाहिए एच की वैल्यू तो ये आ जाएगी माइनस टू बाय सिक्सटी एंड कैपिटल बी इज 11 बाय सिक्सटी ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे दिख रहा होगा यहाँ पे एंड इसके बाद आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस सबसे पहले आप लेंथ ऑफ एक्सिस निकालिए थ ऑ ऑफ एक्सेस गिवन बाय इक्वेशन लेंथ ऑफ एक्सेस के लिए आपको एक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी ए माइनस वन बाय आर स्क्वायर इंटू बी माइनस वन बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर ठीक है और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम एस स्क्वायर है और ये जो है आपके पास वो सेमी एक्सिस आएगी भाई ये भी चीज़ ध्यान रखना है ये सेमी एक्सिस की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से ठीक है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से हमारे पास आर रेज टू पावर फोर में इक्वेशन आती है आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ रखेंगे और इक्वेशन आ जाएगी वन बाय ट्वेंटी फोर आर रेज टू पावर फोर फाइव बाय ट्वेल्व आर स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो ए के बी की और एच की वैल्यू रखेंगे दीज वैल्यूज एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ से एल्स वगैरह लेके आर एस टू पावर फोर में इक्वेशन आ रही है या तो आप आर को जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन बताया था इसको टी पुट कर लीजिए और टी में क्वालिटी आ जाएगी वहां से इसको सॉल्व कीजिए अदरवाइज आप यहाँ पे आर स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं देन यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी इसको सॉल्व कर लेना भाई ये बनेगी आर एच टू पावर फोर टेन आर स्क्वायर टेन आर स्क्वायर प्लस फो ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना इसको और इसकी जो वैल्यूज आएंगी आर स्क्वायर में आएंगी ठीक है अगर आप क्वालिटिक में चेंज करते हैं तो टी स्क् माइनस टेन टी प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो वापस ये टी की वैल्यूज को आर स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी सिक्स एंड फोर ठीक है इसको हम ले लेते हैं क्योंकि दो वैल्यू हैं आर एंड आर में चेंज कर लेते हैं और स्क्वायर चल रहा है तो आर स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एंड आर टू स्क्वायर इक्वल टू फोर एक हमने आर वन ले लिया एक को आर टू ले लिया इस पे डिपेंड करता है यहाँ ये यह जो वैल्यूज़ आते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आपका जो कॉनिक है वो इलिप्स बन रहा है हाइपरबोला बन रहा है अगर दोनों पॉजिटिव है तो इलिप्स बनाएगा अगर यहाँ से मान लीजिए कि माइनस सिक्स और फोर आ जाती तो ये हाइपरबोला बनाता है और अगर दोनों नेगेटिव आ जाती तो ये एम्प्टी सेट हो जाता हाइपर बोला ना ही आप लिखेंगे एम टी सेट ओके तो यहां से आपके पास आ जाती है ये आर वन स्क्वायर इज सिक्स ठीक है अगर हमें लेंथ निकालनी है लेंथ ऑफ माइनर एक्सेसिक्स यहां पे क्योंकि कैपिटल वैल्यू सिक्स है तो यहां से आप इसके लिए मेजर के लिए यूज कीजिए और ये माइनर के लिए तो यहां पे आप मेजर के लिए यूज कीजिए पहले मेजर ये आ जाएगी टू इंटू आर वन ठीक है और लेंथ ऑफ माइनर निकालते हैं माइनर एक्सिस की लेंथ निकालेंगे टू इंटू आर टू अब आर वन की वैल्यू यहाँ से निकालिए आर वन स्क्वायर सिक्स अब आर के निकालेंगे अ रूट सिक्स आ जाएगा ओके देन ये आ जाएगी टू इंटू रूट सिक्स और माइनर एक्सिस के निकालेंगे आर टू स्क्वायर अ फोर और आर टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू अंडर रूट लेंगे बोथ साइड तो यहां से आ जाएगा टू तो टू इंटू टू इज फोर तो माइनर एक्सिस आ गई है फोर और मेजर एक्सिस की लेंथ टू रूट सिक्स ठीक है इसके बाद का नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि आपको एक्सिस निकालनी है लेंथ ऑफ एक्सिस अब लेंथ ऑफ एक्सिस कैसे निकालते हैं अभी हमें पीछे वाले उसमें बताया था क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ए माइनस वन बाय आर वन स्क्वायर जो वैल्यू कैपिटल होगी बड़ी होगी सॉरी ग्रेटर होगी वही आप मेज़र के लिए यूज़ करेंगे आर वन स्क्वायर हमने बड़े वाली को आर वन ले रखा है तो यहाँ पे आर वन का यूज़ करेंगे हम ठीक है प्लस एच वाई इक्वल टू ज़ीरो ठीक है और सेकेंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस वन बाय आर टू स्क्वायर प्लस एच वाई इक्वल टू जीरो इनको आप सॉल्व करेंगे आर वन स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है सिक्स ए की वैल्यू है एच की वैल्यू है सॉल्व करेंगे यहां से लास्ट में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को इनटू कैपिटल एक्स आएगा भाई पे प्लस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को स्मॉल में लेके आना है स्मॉल एक्स वाई में और वो क्या रिलेशन होता है कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन वेर एक्स वन इज सेंटर ऑफ दिस कॉनिक कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इनको पुट करेंगे वापस एक्स वाई में मेजर एंड माइनर एक्सेस आ जाएगी, ओके इसी तरह से सेम टू सेम हाइपरबोला के लिए आपको करना है फिर आपसे पूछा गया है असेंट्रिसिटी असेंट्रिसिटी के लिए क्या फॉर्म जो इक्वेशन होती है आर टू स्क्वायर जैसे ए और बी में रिलेशन होता है जो आपने प्लस वन में पढ़ा भी होगा जैसे ए और बी में होता है माइनर मेजर एक्सिस में ठीक है वैसे यहाँ पे लेके चलना है आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर वन माइनस ई ठीक है और अगर हाइपरबोला के लिए निकालेंगे माइनस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर ई माइनस वन हो जाएगा यहाँ समझ गए तो ये हाँ पर बोला के लिए एज इट इज़ आपको फॉर्मूला दे रखे हैं वहां से आप ए ए की वैल्यू चाहिए स्क्वायर स्क्वायर की R1 की वैल्यू है पुट करेंगे और ए की वैल्यू आपको निकालना है फोकस उसके लिए आपको चाहिए थीटा जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा ठीक है तो इसको हम सॉल्व करेंगे मेजर एक्सिस को सॉल्व करने के बाद आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगी ओके देन लेट थीटा बी द एंगल

डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ वाई माइनस वन इज अ टू तो टें थीटा की वैल्यू यहां से आ जाती है टू ओके देन इससे हम निकालेंगे साइन एंड कॉस साइन कॉस कैसे दिस इज टेन थीटा टेन क्या होता है साइन बाय सॉरी ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बेस एंड हाईपरनेस ठीक है टेंथ थीटा कैसे निकालते हो आप परपेंडिकुलर बाय बेस ओके okay, तो यहाँ से टू बाई वन कर लेते हैं ये आ जाएगा टू एंड वन और ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ टू स्क्वायर इज वन इज रूट फाइव ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा हमें साइन थीटा चाहिए जो हम फोकस निकालेंगे उसके लिए कर रहे हैं ये साइन थीटा कैसे बनाते हो आप परपेंडिकुलर बाय हाइपरनेस बाय हाइपरनेस एंड कॉस् थीटा इज बेस बाय हाइपर्टनेस यानी कि वन बेस हमारा यहाँ से वन एंडिकुलर टू हाइपोर्ट फाइव ये वैल्यूज आ जाएंगे ठीक है इसके बाद आपको निकालना है फॉर्मूला देखिए यहाँ पे फोकस आपको निकालना है कॉर्डिनेट्स ऑफ कॉर्डिनेट्स ऑफ फोकस दोनों ही निकल जाएंगे ऐसे फोकी आर एक्स वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्कवायर एक्स वन इज अ सेंटर आर वन आर टू की वैल्यू ऑफ वहां पे निकाल चुके हैं ठीक है इंटू कॉस थीटा एंड सेकेंड ये आ गया फर्स्ट कॉर्डिनेट ओके और सेकेंड कॉर्डिनेट वाई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू साइन थीटा ठीक है तो थीटा आपको इस तरह से निकालना है जो अभी मैंने बताया यहाँ पे कि ये मेजर एक्सेज का स्लॉप से हम थीटा फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे एक्स वन वाई वन इज अ सेंटर टू एंड थ्री आए थे शायद इसके सेंटर टू एंड थ्री आर वन आर टू स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर में वैल्यू सिक्स एंड फोर ठीक है आर टू यहाँ पे ध्यान रखना है आर वन आपने जो ग्रेटेस्ट वैल्यू ले रखी है यानी कि जो मेजर एक्सेज के लिए आप यूज कर रहे हो सिक्स सिक्स माइनस फोर ठीक है थीटा की वैल्यू वैल्यूज पुट कीजिए से फोकस के कॉर्डिनेट्स आ जाएंगे ओके क्योंकि एलिप्स के दो फोकस होते हैं इसलिए एक बार प्लस में लेके चलेंगे एक बार माइनस में लेके चलेंगे दोनों फोकस आ जाएंगे एज इट इज आपको हाइपरबोला में करने जैसे आप एलिप्स में कर रहे हैं सेम टू सेम हाइपरबोला में आते हैं एक टॉपिक रहता है कि आपसे पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रेस अगर इलिप्स आता है या फिर हाइपरबोला हाइपरबोला बनता है तो दोनों ही केसेस में सेम इसका फॉर्मूला है ठीक है क्या बनेगा एक्स माइनस एक्स वन इंटू कॉस थीटर प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू साइन थी प्लस माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट उर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर दोनों ही केसेस में हाइपरबोला या इलेप्स दोनों ही केसेस में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट के लिए ठीक है अगर लेटेस्ट रेक्टम पूछ ली जाती है तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए जो आप पीछे करते आ रहे हैं इलेवेंथ में भी क्या होगा आपने लेटेस्ट रैक्टम अगर पूछ ली जाए तो टू इंटू आर टू स्क्वायर बाय आर वन स्क्वायर आई थिंक मैंने सभी कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज से आपको क्लियर करवा दिए हैं इससे बाहर शायद कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं होगा जो मैंने आपको नहीं करवाया है बट क्वेश्चन सारे यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊ करवा पाऊंगी बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और इनकी मैं पीडीएफ डाल देती हूँ आप वहाँ से चेक कर लेना जो अनसोल्व क्वेश्चन रह गए हैं और इसको अच्छे से ट्राई कीजिए एंड शायद नेक्स्ट थ्री लेक्चर में हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जल आपका सिलेबस करवाएँ तो इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो